नीट परीक्षा को लेकर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का एक बयान सामने आया है। बुलंदशहर के एक कार्यक्रम में आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि अगर शिक्षा को लेकर कुछ गलत हुआ है तो मुझे पूरा विश्वास है जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, इसे भविष्य में सुधारने की कोशिश भी करेंगे ताकि आगे से ऐसा कुछ ना हो सके। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान की संस्कृति को नॉलेज सिविलाइजेशन कहा जाता है। हमारी महत्वाकांक्षा कभी नहीं रही कि हम बड़ी भारी सैन्य शक्ति बने, हमने हमेशा से विश्व गुरु बनना चाहा है। आतंकवाद को लेकर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, हम तो 80 से आतंकवाद का शिकार है, उसका बस यही तरीका है कि हमें ऐसे खतरों से बहुत ही प्रभावी तरीके से निपटना चाहिए और हम निपट भी रहे हैं, लेकिन फिर भी ये दुर्घटनाएं है जो कभी भी हो जाती है। यह आतंकवाद बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। अयोध्या मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी को लेकर किए गए सवाल पर उन्होंने कहा, ऐसी धमकियां ज्यादा पब्लिसिटी नहीं देनी चाहिए। आज भी आप जब कहते हो कि हम भारत दुनिया में ताकतवर देश बन के हम उभरना चाहते हैं 2047 तक, तो हमारी मुख्य जो महत्वाकांक्षा है वो क्या है? हमारी महत्वाकांक्षा ये नहीं है कि हम बड़ी भारी सैन्य शक्ति बन जाएं, हमारी महत्वाकांक्षा है विश्व गुरु बन जाएं, नॉलेज डेस्टिनेशन बन जाएं। हमारे यहाँ कहा गया, आज नहीं कहा गया, हजारों साल पहले कहा गया, एतद् देशा परशु तस्या सकाशाद अग्र जन्मन स्वम सम चरित्रम शिक्षेरण पृथ्वीम सर्वमानव। हमारे मनीषियों ने कल्पना करी कि भारत विज्ञान और विज्ञान का ऐसा केंद्र होगा जहाँ दुनिया से लोग चल के आएंगे और अपनी संस्कृतियों के बारे में भी आके भारत में शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो कोई इससे असहमति हो ही नहीं सकती, और अगर कोई गलत हुआ है कुछ तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो उसको ना सिर्फ उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे बल्कि उसको सुधारने का काम करेंगे ताकि भविष्य में ऐसा कुछ भी ना